जोहार छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आम तौर पर प्रदेश में सरकार जाने या बड़ी हार के बाद नेतृत्वकर्ता लीडर साइड कर दिए जाते हैं या फिर उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में विरले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद बघेल पर कांग्रेस पार्टी आलाकमान लगातार भरोसा जता रही है और एक बार फिर से पार्टी ने बघेल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें ये जवाबदारी दी है। वे बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अन्य गतिविधियों पर बतौर वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर काम करेंगे। तेज तर्रार राजनीति और बेबाक अंदाज के लिए भूपेश बघेल जाने जाते हैं। विपक्ष में रहते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेश बघेल ने बीजेपी के 15 सालों के मजबूत किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद पार्टी ने भूपेश पर भरोसा करते हुए सीएम पद पर ताजपोशी की। बघेल ने किसानों के मुद्दे को लेकर कई योजनाओं को लाकर अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। ये बात अलग है कि कांग्रेस तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बाद भी छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बना पाने में फैल रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद सियासी गलियारों में भूपेश बघेल की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार भूपेश बघेल पर अपना विश्वास जताती नजर आ रही है। बघेल को बिहार में वरिष्ठ पर्यवेक्षक जैसे फैसले से उनको राष्ट्रीय राजनीति में लाने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस ने बघेल को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाने वाली समिति में भी शामिल किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई 5 सदस्यीय इस समिति के संयोजक मुकुल वासनिक हैं, जबकि बघेल को इस समिति में सदस्य बनाकर शामिल किया गया है। यह समिति पैनल अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाने के सभी पहलुओं पर गौर करने का महत्वपूर्ण काम करेगी। इसके पहले भी भूपेश बघेल को कांग्रेस ने असम में चुनाव प्रभारी और कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी थी। छत्तीसगढ़ में बतौर सीएम रहते बघेल राजधानी रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का सफलतापूर्वक आयोजन करके पार्टी का विश्वास जीतने में कामयाब भी हुए थे। बता दें कि भूपेश बघेल साल 1998 में पाटन विधानसभा के लिए चुने गए थे। अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की नेतृत्व वाली सरकार में वे राज्य मंत्री और परिवहन मंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बना तो भूपेश बघेल इसके राजस्व मंत्री बनाए गए। भूपेश बघेल को 2024 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की बागडोर मिली। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल में ही डेढ़ दशक बाद कांग्रेस को इस प्रदेश की सत्ता में लाने में भूपेश बघेल की बड़ी भूमिका मानी जाती है। मुख्यमंत्री के तौर पर भी बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी उनकी काबिलियत को दरकिनार नहीं कर सकती। लिहाजा लोकसभा चुनाव में बघेल के तजुर्बे और राजनीतिक कुशलता का पार्टी बखूबी इस्तेमाल करना चाहेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।